जेएनयू के एसएससी पेपर लीक मामले को लेकर राज्य आंदोलनकारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जांच की बात कहती है। उन्होंने कहा कि यूके एसएससी पेपर लीक मामले में सरकार के मंत्री भी फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा जिन छात्रों ने वर्तमान में परीक्षा दी है उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने कहा तमाम बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, वहीं प्रदेश सरकार यूके एसएससी परीक्षा में पेपर लीक मामले में लीपापोती कर रही है। वहीं सरकार इस मामले में ना ही सीबीआई जांच करेगी और ना ही ईडी को जांच भेजेगी। जो पेपर लीक का मामला है जिसमें जांच की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी में हमारी वर्तमान उत्तराखंड राज्य के सरकार के तमाम मंत्री फंसे हुए हैं और मंत्रियों के साथ साथ जो इनके छुटभैये नेता हैं, ये इनका एक माध्यम है भ्रष्टाचार का, क्योंकि ये छुटभैये नेता ही जो है मंत्रियों तक जो है पैसा पहुंचाते हैं। क्योंकि तमाम अगर देखा जाए वर्तमान के अंदर जो सही तरीके से जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको दरकिनार कर दिया है, तमाम बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, प्रतिनिधियों के जो है किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, किसी की भांजी है, किसी की साली का लड़का है, किसी के साले का लड़का है, तमाम इस तरीके के भ्रष्टाचार हैं। और मेरा मानना ये है तमाम बेरोजगारों से उत्तराखंड के कि इनको जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए जो है इस बात को जो है कोर्ट में ले जाना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस संदर्भ में कहना चाहिए, क्योंकि हमारी वर्तमान की उत्तराखंड सरकार इस मुद्दे के अंदर लीपापोती करेगी। यह सरकार ना तो इसमें सीबीआई जांच बैठाएगी ना इसमें ईडी को भेजेगी। हम चाहते हैं कि सीबीआई एवं ईडी तमाम इन मंत्री और इन सचिवों के ऊपर कार्रवाई करने का कष्ट करें।